बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रुखसाना परवीन, टीचर UPS रसरीपोरा से। आज मैं छठी जमात की उर्दू क्लास देने जा रही हूँ। हमारे सबक का उन्वान है ईसार का जज्बा। जैन जब घर से निकला तो उसे यह मालूम न था कि किधर जाना है। जैन ये घर तंग आ सील गैर द्राव, मगर तस उसने ये पता कि मैं कुछ गसन। उसने कदम क्या बढ़ाई कि उसका रास्ता खुद ही उससे मंजिल की तरफ खींचता गया। तम यम कदम तुल बढ़ोन ब्रोह कु नेरन खातिर तो वत हो तस पन मंजिल पाने तस गए वत पन मंजिल पाने। हाँ, वो अपने शहर से बहुत दूर जाकर एक फैक्ट्री में मुलाजिम हो गया। पन शहर निश गो सो दूर अकिस जाए तद बनाओ सो गो अकिस फैक्ट्री में काम करने खातिर लोग तद मुलाजिम। और अपनी अनथक मेहनत के जरिए तरक्की करता हुआ 10 वर्ष के अंदर ही फैक्ट्रियों के एक तवील सिलसिले का जनरल मैनेजर बन गया। पन्न बेहद मेहनत सथन मेहनत के जरिए गो दहन वर्षन मज अक फैक्ट्री हुंद अक तवील सिलसिल उस यस वारिया बड़ फैक्ट्री अत बन्या सु जनरल मैनेजर। वो अब एक रईस घरानी का दामाद भी था। तम कुर पत पानस खांदर सु गो अकिस घरस अक घरुक बन्या सु जामतुर ते। एक दिन वो अपनी कोठी के लान में बैठा अखबार पढ़ रहा था। एक दो उस पन्नस इस मकान तस उस मकान अकिस बस उस बड़ कूच उस तस तम किस लानस मज उस अस नेबर कन आंगनस मज बाग आसन बनाउमुत तस लानस मज बिहित उस अखबार पढ़ा कि उसकी नजर एक इश्तिहार पर पड़ी। अत अखबारस उसक कोड़मुत अख इश्तिहार तस पे नजर अत पेट। इसमें अदनान की जिंदगी बचाने के लिए एक गुर्दे अद्दे के तौर पर देने की दरख्वास्त की गई थी। अत इश्तिहारस पेट उसक लेखमुत कि कह छस यूस अदनान सन जिंदगी बचाने खातिर नियाज के तौर कह पनी बकुट दी है। उस जमाने में जबकि हजारों रुपए खर्च करके भी डंग का गुर्दा हासिल करना आसान काम नहीं था। तम वक्त अगर इंसान सास बुद रोपये ते खर्चा है मगर असल बकुट हासिल तो गचित कहीं बिला अते के तौर पर उससे गुर्दा कौन देता। वो कुछ दी है नियाज खातिर यह सही बकुट पाने कुस कढ़ पाने बकुट से दिए। जैन खबर पढ़ते ही उठ खड़ा हुआ और बीवी को बताए बगैर अपने सेक्रेटरी को साथ लेकर रवाना हो गया। जैनन उथे ये खबर पर इगो खड़ा वो थोद पनी बीवी खानदारियाँ प्रश्न वरई द्राव ये पन सेक्रेटरी तुलन सत गौ रवान। दूसरी सुबह वो अदनान और शीबा के सामने मौजूद था। बिग दो वो ये अदनानस ब्रोकुन तो बे शीबाज ब्रोकुन। बाप की हालत देख कर जैन देर तक उसका हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। युथ एम अदनान हालत वुच एम न्यू पन अथ एम सिंदिस अथस मज तो ये हालत वुच वारह वक्त ब्रसान। वो माँ के गले लग कर भी देर तक रोता रहा सीखियाँ बरता रहा। माज ते त्रोवन अथस मज अथ नालमुत करुन तो ये छु बड़ हिक सीखियाँ बरना गो हिचकियाँ लगना ये बड़ ब्रसान हिक लगना। ये वही लोग थे ईश्वर पान सहित ये शतमय लोग जिन्होंने उससे उस जमाने में वो सब कुछ दिया था। यमो में तम वक्त तथ जमानस में सूर्य खींच दुतमुत जो उससे उस वक्त कोई देने वाला न था। उस तेमिस तम वक्त कहाँ दिन वो उसने उन्होंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था तुम वो क्या उसने अम सिंह खातिर कुरमुत। पुरानी यादों ने उससे निढाल कर दिया। ये कुर पुरानी याद पे अमिस जैनस याद गो वारिया मुतासर। वो दो शख्सियतें जिन्हें वो हमेशा पूजता रहा था ये महज शख्सियत इमन हमेशा उस पूजा करा इबादत उस करा अब महज हड़ियों के ढांचों की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। वास रोज मुझे अमिस अदनानस सिर्फ अड़जे याद तो दपन वो इशा सु अम सुद मोल यस बिल्कुल अड़जन हज सूरत अख्तियार करम। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला किस टाइम गो तो अम कर्स पानस हौसल दुन फिर डॉक्टरों से मशवरा करने निकल पड़ा। द्राव डॉक्टर से मशवर करने खातिर। दूसरे दिन अदनान का ऑपरेशन कर दिया गया। दुम दोह कुरुख अदनानस ऑपरेशन। जैन ने अपना एक गुर्दा बाप की नजर कर की उसकी जान बचाई। एम जैनन कड़ पानस बकुट दिसन अदनानस बचो एम सुन जू
وہ چاہتا تو دولت کے بل بوتے پر بھی ایک گردہ کسی سے حاصل کر سکتا تھا. اگر انسان زین یسے سہکھے دولت کس طاقتس پہ تو کنتی جائے باکوٹ ہے. لیکن ایک تو عدنان کی حالت اس قدر خراب ہو چکی تھی. اکس عدنان سنز حالت ام وقت ایسا خراب گمز کہ ایک دن کا انتظار کرنا بھی خطرے سے خالی نہ تھا. اگر اکس دوست پرار ہو تو اکس دوست سہکھے خبر کیا خطر انسان کھیت. اور دوسرے وہ اس سعادت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا. دویم یہ کہ ات خوش قسمتی اس ات دیوان اتو مز گسن کی سوز دوانا مینی باکوڑ گس امس لابی. صحت یاب ہونے پر وہ ان دونوں کو اپنے ساتھ لے آیا. اتو یہ صحت یاب گو عدنان زینن تل دونوئے شیبات عدنان تھے تلن پانس سیت. اس کی بیوی بڑی نیک دل خاتون تھی. زینی خانداری اس واریہ نیک دل زین. اچانک اپنے ساس سسر کو گھر میں پا کر باغ باغ ہو گئی. یتھوئی اچانک تم پن ہش تو ہور ساس گئی ہش سسر گو ہور ہش ہور وش تو سہ گئی واریہ خوش. زین نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھی تلاش کر کے راہ راست پر لگایا لگا دیا. زینن ثھنڈ پن لکڑ بز تم تہ لگن سید وت. اپنے رسوخ سے انہیں اچھے عہدوں پر معمور کرایا. پن رسوخ اسس یوتا کمومت تم تہ لگن کن کن جائے ملازم. اور یوں سب ہنسی خوشی دن گزارنے لگے. وہ لگ تم سری اسون گندوین دہ گزارنے. شکریہ.